हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण की दुनिया। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मिक्स वेजिटेबल निमोला। मिक्स वेजिटेबल निमोला बनाने के लिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ये देखते हैं। ये लिया है मैंने हरी धनिया के पत्ते लिए हैं, और ये लिया है मैंने फूल गोभी जो चॉप कर लिया है, आलू लिया है, एक बाउल मैंने लिया है हरी मटर, 3 से 4 मिर्ची और एक टुकड़ा अदरक का। ये मैंने पालक भी चॉप कर लिया है अच्छे से धुलकर। चलिए फिर बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा तेल, इसमें फ्राई करूँगी आलू और ये गोभी, दोनों मैं फ्राई पहले कर लूँगी। इसका सोधापन अच्छा लगता है, इसे फ्राई कर लेंगे। ढक देती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, जब तक आलू और गोभी कुक होता है तब तक इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं आलू गोभी फ्राई हो गई है, ये देखिए। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसे इसमें थोड़ा सा तेल और हम डालेंगे और भूनेंगे मसाले। ये मैंने हींग डाल दिया है 1 टीस्पून। जीरा भुन गया है इसमें, सॉरी जीरा डालने जा रही हूँ, हींग भुन गई है। इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, इसमें डाल देती हूँ धनिया पाउडर, ऐड कर देना है हल्का सा गरम मसाला। मसाले भुनकर रेडी हैं। अब इसमें डाल देती हूँ ये हरी मटर, इसको अच्छे से भून लेना है। फ्रेंड्स, ये भून लेती हूँ पालक, इसमें इसे भी अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। अब इसे हम 2 मिनट तक ढक देंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे। फ्रेंड्स, एक बार पालक देख लेते हैं। ये देखिए पालक भी गल चुकी है, इसी में अच्छे से कुक हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये आलू और गोभी, इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड कैसे पक रही है ये सब्जी। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा और डालेंगे, बस इतना काफी है। अब इसमें ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार नमक। फ्रेंड्स, अब इसे हम 3-4 मिनट के लिए ढक देते हैं, इसे कुक होने देंगे। फ्रेंड्स, एक बार निमोना और देख लेते हैं। ये देखिए निमोना बनकर रेडी है, बस इतना ही जूसदार निमोना बनाना है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं हरी धनिया की पत्ती, और फिर इसे 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, अब इसे सर्व करते हैं। एक बाउल में मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मिक्स वेजिटेबल निमोना बनकर रेडी है। आप भी बनाइए और खाइए, और अपना अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स पर शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।